रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे स्टफ्ड पटल। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं स्टफ्ड पटल। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है परवल 250 ग्राम, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौजी, 1/3 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन दोनों को मैंने रोस्ट करके और पीस करके रखा हुआ है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 6-7 कलियाँ लहसुन का मैंने कद्दूकस करके रखा है, 1 टुकड़ा अदरक का भी मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, 1 छोटा प्याज मैंने छोटे टुकड़े में काट के रखा है, 2 चम्मच मैंने गरी को कद्दूकस करके रखा हुआ है, 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सबसे पहले हम परवल को इस तरीके से किनारों से काट करके और इसके बीच में चीरा लगाएंगे और इसके अंदर से बीज को हम निकाल लेंगे। इसे हम इस तरीके से उंगली की सहायता से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकाल करके प्लेट में रख लेंगे। तरीके से इतने सारे परोल को हम काट करके, ये देखिए मैंने इसको काटा हुआ है, इसके अंदर से इसके बीज को निकाल करके और परोल को हम खाली करके रख लेंगे। देखिए मैंने सारे परोल को काट करके और इसके बीज को बाहर निकाल दिया है। इसमें से जो कड़े कड़े बीज होंगे उसे हम अलग कर देंगे और इसे हम इसमें भरने के लिए जो बनाएंगे मसाला उसके अंदर इसे डाल देंगे। और मसाला बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। और इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे। इसे हम हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। जीरा हमारा भून चुका है। इसके अंदर प्याज डाल देंगे और इसके अंदर लहसुन भी डालेंगे, अदरक डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे। 1 मिनट तक इसे हम भून लेंगे जिससे इसे कच्चापन इसका निकल जाए। देखिए लहसुन प्याज अदरक हमारा भून चुका है। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे, आग को हम मीडियम रखेंगे और इसके अंदर धनिया पाउडर, जीरा और कलौजी, गरी जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, सौंफ पाउडर और इसके अंदर हम नमक डालेंगे। छोटा चम्मच नमक इसके अंदर हम डाल दिए हैं और ये परवल के अंदर से जो हमने निकाल के रखा था उसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हम नींबू डालेंगे। एक नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे। आप नींबू की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से रस इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मसालों को हमें एक अलग बर्तन में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। परवल के अंदर मसालों को भरेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अगर परवल ज़्यादा कड़ा है तो इसको ऊपर से हम हल्का सा छिलका चाकू से निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर परवल मुलायम है तो हम इसे ऐसे ही भर देंगे। परवल में मसाले भरेंगे
तरीके से इसके अंदर हम मसालों को डाल देंगे। और इसे बंद कर देंगे। दूसरा परवल भी इसी तरीके से हम भरेंगे। और इसी तरीके से सारे परवल को हम भर करके रख लेंगे। देखिए मैंने सारे परवल को भर लिया है। वापस कढ़ाई गैस पर रखेंगे। मैंने वही कढ़ाई रख दी है, आप दूसरा भी रख सकते हैं। और इसके अंदर बचे हुए सारे तेल को डाल देंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम सारे परवल को रख देंगे। इस तरीके से सारे परवल को तेल के अंदर डाल देंगे। मीडियम रखेंगे, कढ़ाई में ढक्कन लगा देंगे और दो दो मिनट पे इसे हम पलटते रहेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, परवल को बेक करेंगे और फिर दूसरी साइड में पलट देंगे। इस साइड में परवल हमारा पक रहा है और इसे हम दूसरी साइड में भी पकने के लिए पलट देंगे। सारे परवल को हम पलट देंगे। हमने सारे परवल को पलट दिया है। इसी तरीके से दो दो मिनट पर हम परवल को चारों तरफ से पलट पलट कर पका लेंगे। फिर हम ढक्कन लगा दें। दो मिनट बाद फिर से हम परवल को पलट देंगे। अपने परवल को हम चेक करेंगे। देखिए मैंने दो दो मिनट के बाद इसे पलट पलट कर 10 मिनट तक परवल को पका लिया है। अच्छी तरीके से पक चुका है। मैंने चारों तरफ से देखे, इसे अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक पकाया है। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। ऊपर से इसकी खुशबू अच्छी लगती है। इसे मिलाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। परवल को निकालेंगे प्लेट में और हमारा स्टफ्ड परवल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ खाइए। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने व्यू में जरूर दीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।